मेरा नाम राघव है और मैंने सर्विसार में नीलकंठ है रखी थी. हाय दिस इज इसरा तुन्नी. आई प्ले टीजे रोल. हाँ इट्स अ फन कॉमेडी, एडल्ट कॉमेडी. हमने कोई सीन नहीं दिखाया इसमें. लाइक बहुत आजकल ट्रेंड सब है, हमने कुछ यूनिक किया है इसमें जो आजकल की जनरेशन करती है. Actually, I'm so excited because this is my first Hindi project in here, and Pakistan is kind of like Sabote is a adult comedy, but it's the adult comedy, but it's not visually bold. Hum thoda alag se shoot kiya. Describe your character. Yeah, I played the role named TJ, and who is a DJ, and that was a very amazing role. Thoda पगली सी है, थोड़ी नो डेयरिंग सब भी है. सो वी हैड सो मच फन ओवर देयर एंड वी एंजॉयड अ लॉट एंड वी आर सो एक्साइटेड अबाउट पाकिस्तान. व्हाट इज योर प्राइम फ्लिक्स जिसके थ्रू आ रहा है, बहुत सारे शोज आ रहे हैं, मतलब कितना कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है ये वेब शोज का, क्या कहते हैं प्राइम फ्लिक्स के बारे में, किस तरह का आपको वहाँ ट्रीटमेंट मिला उनकी तरफ से? प्राइम फ्लिक्स लगता ही नहीं कि कोई नई ऐप आ रही है कुछ और. पहले भी जैसे काम किया हुआ तो उससे कि कभी ऐसा लगा नहीं कुछ नया है. अपनापन वही सब कुछ है, सेम ट्रीट करते हैं जैसे अदर एक्टर्स को करते हैं. एक्चुअली प्राइम फ्लिक्स नाउडेज लाइक हम सब के लिए प्राइम फ्लिक्स इज अ फैमिली. हम सब बोल सकते हैं यस वी आर प्राइम फ्लिक्स फैमिली. तो एक साथ इतने महीने काम करने के बाद सब लोग की बॉन्डिंग एंड शेयरिंग केयरिंग सब कुछ बहुत अच्छा हो गया. तो यू नो बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट ऑफ लक प्राइम फ्लिक्स. बेस्ट ऑफ लक. Yeah, for us too. And frankly, it's bahut upar tak jaye and best OTT platform mein se ek ho jaye. This is my dream and hope for the best. Hi, my name is Jagdeep Bhatia and my nickname is JD and maine Kirgistan ko direct kiya hai, likha bhi hai, direct bhi kiya hai aur ye ek adult comedy hai basically. और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है, ऐसा कुछ देखा नहीं होगा किसी ने भी. ऑडियंस के लिए अलग तरह की ट्रीट है ये डेफिनेटली. लेट्स सी अभी रिलीज़ के बाद क्या रिएक्शन आता है. वी आर वेटिंग फॉर दैट. जस्ट सी बेसिकली खर्किस्तान एक अडल्ट कॉमेडी है जो हमने ये दिखाया कि आजकल के यूथ, आई एम नॉट सेइंग कि सब यूथ, ज़्यादातर क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती हैं, जो लोग यूथ घरों में बात करते हैं बैठ के, दोस्त यार आपस में मस्ती करते हैं, हम वो चीज़ें एक्चुअली पर्दे पर लेकर आएँ. तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो हम पर्दे पर लेकर आएँ वो आप अपनी रियल लाइफ में करो, बट ऑब्वियसली वो सब मत करो, बट इन्जॉय करो देख के. सी ऑब्वियसली है माई बेबी है, हमने लिखा है, हमने काम किया है इसमें साथ में, तो मेरे लिए पूरी की पूरी सीरीज़ ही बहुत ज़्यादा फनीस्ट है. और ऐसा कोई स्पेशल कोई सीन या स्पेशल कुछ नहीं बोलूँगा मैं, मेरे हिसाब से सब कुछ ही बहुत अच्छा है. ऑडियंस के लिए एक अलग ट्रीट है डेफिनेटली जो उन्होंने अभी तक देखा नहीं होगा. थैंक यू सो मच. या प्राइम फ्लिक्स एक बहुत ही उभरती एप्लीकेशन है, एक नया OTT जो अभी आ रहा है. एंड आई एम रियली हैप्पी कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन के बाद मुझे लग रहा है कि एक ऐसी एप्लीकेशन है जो अपना एक मुकाम पाने में डेफिनेटली कामयाब होगी. देखिए हर एक प्लेटफॉर्म की अपनी एक ऑडियंस होती है और हर एक कंटेंट की अपनी एक ऑडियंस है. तो दैट डजंट मैटर कि ऑलरेडी दो तीन एप्लीकेशंस हैं मार्केट में बहुत अच्छे से, हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो काफ़ी ऑडियंस है, वास्ट ऑडियंस है. और कहीं ना कहीं प्राइम फ्लिक्स भी अपनी जगह बनाएगी एंड आई होप कि उन सबसे ऊपर जाएगी. आई डिडंट गेट यू. क्या किया जाता है ज़्यादातर मतलब इस वेब सीरीज पे ओपन चीज़ें दिखाई जाती है. ओपन चीज़ें दिखाई जाती है. बोल्ड. ओके सी बेसिकली अब थर्किस्तान हमारा एक टैगलाइन है, कम फॉल इन लस्ट.
अब ये अपने आप में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने बताया पहले आपको कि विजुअली एकदम अलग ट्रीट है डेफिनेटली, एंड हमारा कंटेंट वर्बली ज़्यादा बोल्ड है। जो दोस्त बैठ के आपस में बातें करते हैं, लड़के लड़कियां आपस में फ्रेंड्स क्या बातें करती हैं, वो हम पर्दे पर लेकर आए हैं। तो विजुअली ज़्यादा बोल्ड है, सॉरी विजुअली ज़्यादा बोल्ड नहीं है, वर्बली ज़्यादा बोल्ड। बजट की बात की जाए, बजट ये है कि हमें चैनल से और हमारे प्रोड्यूसर से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही है। हमने कोई भी चीज़ ऐसे एकदम मतलब रिस्ट्रिक्ट होकर काम नहीं किया कि नहीं हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना, उससे ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि चैनल का अल्टीमेटली फोकस था कि बेस्ट कंटेंट बनाना है, चाहे जितना भी लगे जैसे भी लगे। तो चैनल की बहुत सपोर्ट रही है हमें इन सब चीज़ों में। सारे बिकॉज प्राइम फ्लिक्स जब नया नया शुरू हो रहा था तो मेरे पास कई सारे कॉल्स आए फॉर कास्टिंग और कपल ऑफ शोज, एंड आई वाज लाइक प्राइम फ्लिक्स इज अ वेरी इंटेलिजेंट नेम टू से टू बिगिन विद, एंड आई वाज लाइक ओके, सो आई ऑडिशन फॉर अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दे आर कमिंग अप विद ग्रेट ग्रेट शोज, एंड यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच ऑल ऑफ देम। वेल आई होप सो, आई डोंट रियली नो बिकॉज आई एम करेंटली all packed with some other projects, which is why I couldn't say yes to them as of now. But inshallah, agar Ishwar ne chaha, to aage jaake kuch na kuch zarur karenge saath mein. Ye aapka patent question hai, aap hamesha mujhse poochte ho, koi na koi to poochta hai mujhse. Gandi baat ki life, gandi baat ki baat life, obviously I would say trigger ho gayi hai, because har kisi ko ek pehchan ki zarurat hoti hai. Ek cheez hoti hai famous hona, nazar mein aana, aur ek cheez hoti hai nazaron mein bane rehna. Gandi baat mujhe nazaron mein laya, और उसके बाद बने रहने का काम मैंने खुद किया, वो आप सब जानते हैं, बिकॉज आई कीप ऑन डूइंग 10 थिंग्स एट अ टाइम। सो मैं ग्रेटफुल इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि गंदी बात हुआ मेरे साथ, बिकॉज दैट वाज द थिंग दैट गॉट मी एन इंस्टेंट फेम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सिंगिंग हैज़ बिन माई फर्स्ट लव, और एक्टिंग में आने के पहले भी आई वॉज परस्यूइंग सिंगिंग, बट क्योंकि जब आप रेलिवेंट हो जाते हो तो आपका किया हुआ हर काम नज़र में आने लगता है। तो मैं होस्टिंग भी कर रही थी, बट होस्टिंग से ज़्यादा प्यार मुझे सिंगिंग से है। सो जब सारी चीज़ें रेलिवेंट हो जाती है तो उसके बाद में ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसमें एफर्ट्स डालें, मेहनत करें। तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ सारी चीज़ों को एक साथ मेंटेन करने के लिए, बिकॉज आप मुझे मेरी बॉडी के लिए प्यार करते हैं, मुझे अपनी आवाज़ से प्यार है, और एक्टिंग मुझे करनी है। तो देयर आर थ्री थिंग्स दैट आई एम साइमल्टेनियसली फोकसिंग, एंड मेरा पूरा दिन, मेरी लाइफ इज ऑल अबाउट ऑल ऑफ दिस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। यस 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 यस, आई थिंक नवंबर इज गोइंग टू बी द ग्रेटेस्ट मंथ, एंड आप लोगों का मेरे ख्याल साथ बना रहेगा, बिकॉज आप ही लोग हैं जो कि आर्टिकल्स निकालते रहते हैं, आई मीन बिग बॉस का। I had no clue about it. मैंने हाँ भी नहीं बोला, एंड देन इट जस्ट शॉट अप लाइक हाउ। लोगों को लगता है कि मेरा प्यार बड़ा गजब का है, बट इट इज़ ऑल हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सो अभी आप मुझे एक वेब सीरीज़ में देखेंगे जिसका नाम है गुड़िया की शादी, और आप लोग हैरान हो जाएंगे बिकॉज इसमें मैं एकदम उल्टा कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो मैं हूँ। सो ये कहानी है एक बहुत ही सीधे सी लड़की की, जो कि एक छोटे से गाँव से बॉम्बे भाग कर जाती है बिकॉज उसको एक्ट्रेस बनना होता है, एंड देन इसके पिताजी जो है वो पैसे दे के लड़के से शादी करा के छोटे से गांव में रख देते हैं। सो इट इज़ अबाउट दैट, सो इट्स अ सिने प्ले विथ ब्रिलियंट कास्ट, सो दैट इज़ कमिंग इन नवंबर। उसके अलावा मेरी फिल्म जो है वो रिलीज़ हो रही है जी, जिसके बारे में आप सभी को पता ही है। उसके अलावा माई शूटिंग इज स्टार्टिंग फॉर ऑल बालाजी NSA, एंड आई एम प्लेइंग अ कबड्डी कोच, आई हैव बीन अ कबड्डी प्लेयर, आई हैव बीन अ नेशनल चैंपियन इन दैट, सो या इट्स फन। All the very very best, because I've been getting to hear about you guys. एक बात होती है ना कि आप जब एंट्री करते हो तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से करते हो कि आप सिर्फ जाने के लिए नहीं आते हो, आप रहते हो और आपका एक इम्पैक्ट होता है। आई थिंक प्राइम फ्लिक्स इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो कि आए हैं बहुत ही पावरफुल तरीके से, एंड देन आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दे आर गोइंग टू डू ग्रेट एंड सस्टेन फॉर द लॉन्गेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया है, आज डिजिटल वर्ल्ड है, पूरा टेक्नो सैवी लोग हैं, डिजिटलाइजेशन बहुत है सब जगह, तो हर डिजिटल चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, बहुत खुशी होती है। मेरे दोस्त इसमें इन्वॉल्व हैं, प्रेम जांगियानी और प्रज्ञा शेट्टी, बहुत खुशी हो रही है कि
कुछ नया वेंचर लॉन्च होने जा रहा है और प्राइम फ्लिक्स को मेरी तरफ से बेहद शुभकामनाएं एंड बहुत अच्छा चले, अच्छा कंटेंट आए और ऑल द बेस्ट टू देम। तो आप ही बताइए कौन सा अच्छा था। मेरे लिए तो सीज़न वन ही अच्छा था, वो मेरा था, मैं उसमें था और मेरे लिए हमेशा वो स्पेशल रहेगा बिकॉज बिग बॉस सीज़न वन ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, लोगों का प्यार दिया, बहुत सारा फेम दिया, इज्जत दी, तो मेरे लिए बिग बॉस बहुत स्पेशल है। सीज़न टू ऑफकोर्स मैंने फॉलो किया बट मुझे सीज़न वन ऑफकोर्स ज़्यादा पसंद है बिकॉज हमारे सब दोस्त उसमें थे, मेरे सब दोस्त उसमें थे और मैं उसमें था तो वो मेरे दिल के करीब है, तो सीज़न वन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, एज इन सबसे प्यारा है। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ रशाली, आई एम एन एक्टर, आई हैव वर्कड इन टेलीविजन, आई हैव डन अ फ्यू फिल्म्स एंड आई एम डूइंग सम वेब स्टोरीज टू। आई थिंक यू नो ये बहुत अच्छा है कि इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं, इतने OTTs आ रहे हैं बिकॉज कंटेंट उतना ज़्यादा बढ़ रहा है, व्यूअरशिप बढ़ रही है, सो इट्स वेरी गुड एंड आई विश द बेस्ट फॉर प्राइम फ्लिक्स बिकॉज माय फ्रेंड्स आर इन दिस OTT एंड आई वांट देम टू रियली रियली सक्सीड। कि नए एक्टर्स उनको अच्छे ब्रेक दूं और लोग हमेशा हमें से जुड़ते रहे, हमेशा कोशिश करेंगे करके अच्छी अच्छी मूवी हम लोग वेब सीरीज इस पे लाए और लोगों को एंटरटेनमेंट का मौका दें, बस इसके बाद अभी बाकी सब तो हम लोग वेब सीरीज देख ही लोगे, हम थोड़ा सा प्रोमो दिखाएंगे आपको और इसमें से पता चलेगा करके हम लोग कौन से वेब सीरीज कैसे बना रहे हैं। प्लीज आप वेब सीरीज थोड़ा सा दिखा दीजिए लोगों को। ऑलराइट, सो वीडियो प्ले करने से